हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। तो ये जो ग्रोसरी हमने कल ले ली थी ना, ग्रोसरी लेने के बाद उसको संभालना एक बड़ा काम होता है, तो इस सारी ग्रोसरी का मुझे संभालना है। अच्छा, जब वायरस बहुत ज़्यादा था ना, तो बल्कि मेरे ख्याल से अभी कुछ अर्सा तक पहले भी ना, मैं सारी वॉश करके रखती थी। बहुत लंबा मुझे एक घंटा पूरा लग जाता इस ग्रोसरी को वॉश करके अच्छी तरह, और फिर रखने का ना काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब मैं वैसे ही रख देती हूँ, मैंने कहा अब सही है, जम्स प्रूव हो गया, तो अब मेरे हाथ इतना वो कोरोना का भी नहीं रहा। तो खैर, वो मैंने ग्रोसरी सेट की, और ये जो है ये सुबह के टाइम जो है दोबारा से मेरे पास मटेरियल भी पड़ा था और आटा भी गूंदा हुआ था। मैंने कहा चलो ये जो है ना आलू वाले पराठे जो हैं वो बनाती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी बनाए, बच्चों के लिए भी बनाए, और बेस्ट चीज़ ये होती है कि ये इन्होंने ना जो चीज़ इनको पसंद हो वो खुद बैठ के खा लेते हो। ये खुद बैठ के खा रहे थे, और अभी सुबह का ही टाइम था, मैंने नाश्ता किया और फ़ौरन इनको बना के दिया रोटी, ये बैठ के खा रहे थे खुद। तो मैंने कहा ये फ्रेश फ्रेश जो फ़िश लेके आई हूँ ना, तो ये मसाले वाली फ़िश बनाती, बहुत ज़बरदस्त मज़े की बनती है। उसके लिए मैंने जो है ना अनियन ग्राइंड करके और ऑयल थोड़ा सा डाल के उसको थोड़ा सा कलर उसका चेंज करूँगी, और साथ ही मैंने टमाटो पेस्ट बना ली थी, टमाटर लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के ना उसकी इसी तरह ये प्योरी बना ली थी। और जो फ़िश को मैंने अजवाइन जो है वो लगा के रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद जो है ना उसमें मसाला लगा दिया था, लेमन डाल के उसके अंदर हल्दी थोड़ी सी डाली थी, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, और थोड़ा सा जो फ़िश मसाला डब्बे का होता है ना वो भी, तो ये मसाला मैंने इसको लगा के रख दिया था, और ऑलमोस्ट मैंने आधा घंटा रखा होगा। और उसके बाद जो है ये जो मैंने टमाटर और फ्रेश लहसुन और अदरक की जो पेस्ट बनाई थी ना, वो मैंने थोड़ा सा ऑनियन का कलर चेंज किया, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा किया, और फिर ये मैंने डाल दिया। आप चाहें तो सेम इसी तरह ही प्योरी इकट्ठी भी बना सकते हैं, प्याज टमाटर लहसुन अदरक हर चीज़ इकट्ठा करके और इसी तरह ऑयल में डाल दें, तो वो भी टाइम बचता है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा प्याज का अलग से टेस्ट आता है, हल्का सा उसको करके ना, तो फिर बाद में टमाटर और फ्रेश लहसुन अदरक डालने का ना बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इतनी खुशबू आ रही थी इस पॉइंट पे, फ्रेश जो है ना ख़ास तौर पे जो लहसुन होता है ना उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो फुल मैंने एक पूरा जो है ना वो लहसुन का डाला था, और थोड़ी सी अदरक डाली थी, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस मसाले की। और मसाले में मैंने फिर वही दोबारा थोड़ा सा नमक डाला और हल्दी डाली, गरम मसाला डाला, सूखा धनिया डाला, और फ़िश मसाला जो होता है ना डब्बे का वो थोड़ा सा डाला। तो ये मसाले में भी यही चीज़ें डाली, और जो फ़िश को मैरिनेट किया था ना वो लेमन के साथ, और यही सारे मसाले डाल के जो है मैरिनेट करके कर लिए थे। और फिर जब ये मसाला बन जाए ना, ऑयल ऊपर आ गया था, और वो जलाना भी नहीं है मसाले को, नॉर्मल रखना है कि भुना भुना सा हो। उसके बाद इस मसाले के ऊपर जो है ना फ़िश रख देना, फ़िश को मैंने कोई फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं किया, फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बिल्कुल कोई ईजी बनने वाली जो है ना फ़िश है। जस्ट आपने इसी तरह इसको जो है मसाले के ऊपर वन बाय वन करके रख देनी है, एक फ़िश के ऊपर दूसरी फ़िश नहीं रखनी, नहीं तो फिर वो स्टीम में नहीं बनेगी, एक्चुअली स्टीम में बनेगी। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम करके और इसका कवर दे देना, और इसको इसी तरह जो है ना कवर करके रख देना। ऑलमोस्ट में हल से 4 to 5 मिनट के अंदर जो है ना इसकी एक साइड हो जाएगी, और फिर साइड चेंज कर देनी है। अच्छा, बिफोर साइड चेंज करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर मेक श्योर कर रही थी कि मसाला नीचे लग तो नहीं रहा, कई दफ़ा मसाला जो है ना नीचे लग भी जाता है, तो आप भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं इसी तरह। तो मैंने इसको हिला के देखा, मूव करके देखा, मूव हो रही है, इट्स मीन के नहीं लग रही। इसको कवर करके रखती है, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट एक साइड लेती है, और फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। अच्छा, साइड चेंज करने के लिए आप 2 स्पून लेते हो बेटर होता है। मैं तो एक खास मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही थी और एक से ही कर रही थी, बाकी जो है ना वो टूटती नहीं है फ़िश, 2 स्पून लेके और फ़िश को जो है वो उसकी साइड चेंज कर दें, और फिर इसी तरह कवर करके रख दें, तो ये ज़बरदस्त मज़े की फ़िश जो है ना जब बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, क्योंकि सैलमन फ़िश है और इसको इतना टाइम नहीं लगता, ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में या 10 से भी कम मिनट में जो है ना वो रेडी हो जाती है। तो मेरी फ़िश रेडी हो गई थी। अच्छा, ये मेरी जो है ना ये मैंने जो है करी बनाई थी फ़िश और ये सब कुछ, और ये जो वीडियो है ना ये अब जो हम निकल के जा रहे हैं, हमारी संडे की है रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ।
संडे की रूटीन ही नहीं शेयर कर सकी। तो ये हम लोग गए थे संडे वाले दिन। अच्छा, संडे को मुझे यही होता है कि संडे को जो है ना वो एक तो ग्रोसरी की छुट्टी होनी चाहिए और एक खाना बनाने की ना छुट्टी होनी चाहिए। हमारी भी तो लेडीज़ की भी तो कभी छुट्टी हो ना, डेली जो है वो खाना बना बना के तंग आ जाते हैं। तो फिर यही होता है कि बस संडे को किसी तरह जो है खाने की छुट्टी हो और ग्रोसरी की भी, बाहर घूमें फिरें, बाहर खाएं पिएं। लेकिन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा तो हम करते भी नहीं हैं, बाहर खाते पीते भी नहीं हैं बस। लेकिन आज दिल कर रहा था, एक हलवा पूरी का दिल कर रहा था, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए थे और दोपहर का खाने का टाइम हो गया था। फिर मुझे ये हुआ कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, बवादी रेस्टोरेंट, यहाँ पर काफ़ी अर्सा हो गया था ये हमने खाया नहीं खाना। तो हम मैंने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं स्पेशल, जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो ना ये जो है फलाफल खाने का, तो फिर मैं आती हूँ। और एक ज़बरदस्त इनकी चाय बहुत मज़े की होती है। तो फलाफल के लिए हम आए हैं और फिर यहाँ पे हमने जो है ना संडे वाले दिन यहाँ पे हमने खाना खाया और बस आपको अंदर लेके जाते। अच्छा, ये एक नई चीज़ इन्होंने बना ली ना, ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि इसके अंदर लाइट्स हैं और रात के टाइम शायद इसका और ज़्यादा मज़ा आए कि लाइट ऑन हो जाए तो वो देखने में मज़ा आए। तो बहरहाल अंदर जो है वो हम गए, और अंदर जब हम गए हैं तो हम तो वैसे नॉर्मल खाना ऑर्डर करके मंगवा के खाने वाले थे, लेकिन जो है ना अंदर बफे चल रहा था। तो उनकी टाइमिंग थी अभी बफे की, हाफ आवर रह गए थे, उनका विद इन हाफ आवर आप अवेल करना चाहें तो अवेल कर सकते हैं। हमने कहा चलो ये बफे ही ले लेते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं खाना। तो हमने फिर बफे अवेल किया इनका, तो काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी। अच्छा, ये अरबी अफ़गानी रेस्टोरेंट है तो इसमें जो है ना वही हमारे वाली वो वाली चीज़ें नहीं होती। इसमें यही फ्राइज़ वगैरह थे, फलाफल था, और जो लाहौर जिसमें ब्रोस्ट नहीं होता लाहौर ब्रोस्ट का, उसी तरह ब्रोस्ट चिकन थे। ये वेजीज़ थी, स्टीम वेजीज़, उसके अलावा दूसरा बारबेक्यू चिकन होता है वो था, और ये जिस तरह हमारी बिरयानी नहीं होती इसी तरह बिरयानी टाइप ही थी, चिकन वाले राइस जो थे, और ये सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा एक स्टीम जो होते हैं ना गोश्त वाले राइस जो होते हैं स्पेशल इनके, तो ये गोश्त वाले राइस थे। इसी तरह पालक थी और दो किस्म के सूप थे, और उसके अलावा वाइट राइस थे, और जो स्टीम वेजीज थी उनके साथ वाइट राइस। मन्हा तो यही पसंद करती है, मन्हा वही खाती है। उसके अलावा सैलड में वैरायटी थी, सैलड डिफरेंट किस्म के थे, और हुमस थी, और तहिनी सॉस जो थी वो थी। ये चीज़ मज़े की लगती है ना फलाफल के साथ। तो फिर मैंने जो है ख़ुद भी डाला, अपने लिए भी डाला और बच्चों के लिए। मुझे तो फलाफल पसंद है, फिर मन्हा को भी पसंद है, और हसन भी फिर खा रहा था। हम लोग तो यही जो है ना फलाफल फ्राइज़ फर्स्ट हमने यही खाए, और मन्हा ये ब्रोकली वगैरह खा रही। उसके बाद खाना वगैरह खाया, खाना खा के फिर बच्चे जो है ना यहाँ पे जो है वो देखने लग गए थे कैमल है, और ये बच्चों को अच्छा लग रहा था, ये कैमल है। मैंने तो खैर कैमल की सैर की हुई है, हम लोग जब कराची में होते थे तो मैं बैठी हुई, तो मन्हा कह रही थी मैंने बैठना है इस पर, ये कहाँ होता है क्या है, तो इसके बारे में क्वेश्चन वगैरह करने लग गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खाया यहाँ से, और जो चाय थी ना, चाय की बैड लग रही, क्योंकि चाय इनकी ख़त्म हो चुकी थी, और बहुत ज़बरदस्त मज़े की चाय होती है। मैं यहाँ से 2 टाइम मैंने यहाँ से पी है, तो बहरहाल नहीं थी, और आपको पता है खाने के बाद हमें चाय की कितनी एडिक्शन होती है, तो चाय यहाँ पे थी नहीं। बहरहाल फिर हम यहाँ से निकले, और जब वापस निकले तो ये लाइट थोड़ी सी ऑन हो गई थी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी अंधेरे में और ज़्यादा अच्छी लगनी थी लाइट। बहरहाल फिर हम यहाँ से अब जा रहे थे, और फिर बच्चों का ये होता है ये खाना जो खाया ये तो आप लोगों का फ़न है, तो हमारा फ़न तो अभी रह गया, हमने भी तो फ़न करना है। तो फिर हम इनको इनका जो है यहाँ पे ही बच्चों का एरिया है स्क्रैम्बल, वहाँ पे लेके गए। तो हमने कहा चलो जी वहाँ पे फ़न कर लें, क्योंकि मन्हा का तो ये होता है खाना तो हमारा फ़न नहीं है, हमारा फ़न तो बस ये झूले वगैरह है ना, और इनकी जो कोई ऐसी वैसी प्लेस हो गई जिसमें फ़न हो, इनका जिसमें फ़न हो फिज़िकली, यानी भागें दौड़ें, और ये इनका फ़न होता है। तो फिर हमने कहा चलो वहाँ पे इनको लेके जाते हैं। और जब हम बाहर निकले ना तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। अच्छा, यहाँ पे यही संडे वाले दिन की ये रूटीन मैं आपको बता रही हूँ, संडे को यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, तो बस ये बारिश हुई और यहाँ से अब हम निकल के जा रहे हैं। और ये भी अच्छी चीज़ थी कि यहाँ से पास ही था इनका जो प्ले एरिया है, इंडोर प्ले एरिया, हम वहाँ पे ही जा रहे थे, क्योंकि बारिश में आउटडोर तो आप खेल ही नहीं सकते, तो इंडोर वाले जो प्ले एरिया ना वो सही रहते हैं। लेकिन जब हम इंडोर उस प्ले एरिया में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश था, इवन पार्किंग हमें नहीं मिली थी, बड़ी मुश्किलों से पार्किंग मिली, पर शुक्र है मिल गई। लेकिन जब अंदर गए तो अंदर तो फुल पैक था, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि बाहर बारिश थी, लोग बाहर की जगह जो है ना इंडोर जो प्ले एरियाज थे उनमें आए हुए थे। बहरहाल बच्चों ने यहाँ पे फ़न किया, इन्जॉय किया, हमने भी खा पी के यहाँ पे इन्जॉय किया। तो आई होप सो आप लोगों ने भी इन्जॉय किया वीडियो को,
और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।